हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटैटो में दो डिजीज़ जो कि मोस्ट कॉमनली आप जानते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हमें पढ़ना है आज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। इन दोनों में लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा कौन से फंगस की वजह से होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो इसको याद करने का तरीका एक छोटा सा है, मैं शुरू से बताती हूँ, ABCD से याद करिए। तो अर्ली यानी पहले, और ए आता है पहले। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को आप याद कर सकते हैं अल्टरनेरिया सुलैनी, लेट यानी कि जो बाद में आता है। तो जो दूसरा बचा वो लेट ब्लाइट यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ होती है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक, ये डिजीज़ सबसे पहले हुई आयरलैंड में, जिसको कि हम आयरिश फेमाइन के नाम से जाते हैं, जो कि हुई 1843 से 45 के बीच में। मतलब एक तरह की त्रासदी हुई जिसमें कि 20 मिलियन लोग मर गए, भूख की वजह से मर गए। जब किसी कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर क्रॉप पे डिपेंड करती है और किसी भी वजह से वो क्रॉप डैमेज हो जाए, तो वहाँ भूखमरी की नौबत आ जाती है। आज के टाइम पे हमारे यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है, या मौत की एक बहुत बड़ी वजह भूख नहीं होती है। हमें मतलब कि थोड़ा रिलीफ करना या चीज़ों को टैकल करना, मैनेज करना आ गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ फैल जाती थी तो वो धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड हो जाती थी और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती थी। अब बात करते हैं, स्टार्ट हुआ आयरलैंड से लेकिन ये इंडिया तक आ गई। इंडिया में इसकी इंटेंसिटी कंपेरेटिवली कम थी, लेकिन इंडिया में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई नीलगिरी हिल्स में बिटवीन 1870 एंड 1880। आई कैसे? बाय कोल्ड स्टोरेज। आलू जो होता है जाड़े में, एक सीज़न में जब ग्रो करता है और हम जब उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हम उसको पूरे साल के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, और उन कोल्ड स्टोरेज से फिर उन्हें निकाल निकाल के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिन जगहों पे उनकी कमी है वहाँ पे उन्हें सप्लाई किया जाता है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, कोल्ड स्टोरेज से निकल के वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होने से ये डिज़ीज़ एक जगह से दूसरी जगह फैली। प्लांट को ये कैसे डैमेज करती है? उनकी लीव्स को किल करती है और उनके स्टेम्स को ख़त्म कर देती है एट द टाइम जब उनका ग्रोन अप का टाइम होता है, ग्रोइंग सीजन जब होता है, तो उनकी लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और उनके स्टेम्स को पूरी तरह से डीजनरेट कर देना, नष्ट कर देना। सिम्टम की अगर बात करेंगे तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जनवरी मंथ में अपीयर होते हैं। आलू अगर आप लोग कभी लगाए होंगे या निकाले होंगे तो उसी टाइम पे जनवरी वगैरह में इसे हार्वेस्ट किया, तो जो सिम्टम्स होते हैं वो जनवरी के मंथ में। उसमें भी दो तरह के सिम्टम हैं, फोलिएज यानी लीफ पे अपीयर होने वाले सिम्टम, और दूसरे ट्यूबर। ट्यूब पोटैटो को आप जानते हैं ट्यूबर है, पहला जो होता है लीफ पे अपीयर होता है, दूसरा ट्यूबर पे। तो इसमें बात करेंगे जो लीफ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे लोअर लीफ सरफेस पे पहले ये सिम्टम अपीयर होता है। होता क्या है? इररेगुलर होता है, वाटर सोक्ड होता है, ठीक, या तो टिप पे पाया जाता है या तो लोअर एज ऑफ लीफ में पाया जाता है। फंगस के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब उन्हें थोड़ा इन्वायरमेंट में मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर अवेलेबल होती है तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ सिम्टम है ये और बड़े एरिया को कवर अप करते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं एंड ब्लाइटेड एरियाज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्यूबर की बात करें, मतलब स्टेम्स पे भी होती है, फिर धीरे धीरे ये डिज़ीज़ फैलते फैलते ट्यूबर तक, आलू तक चली जाती है। तो ट्यूबर सिम्टम्स की बात करें, ट्यूबर जो होते हैं इफ़ेक्ट होते हैं उनमें भी इररेगुलर पर्पल ब्लैक और ब्राउन कलर के, डल कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। इसी तरह से लीफ देन ट्यूबर देन पूरी की पूरी क्रॉप को डैमेज करता है। देन इसके बाद इसमें बात करेंगे स्पोरेंजियोफोर, ठीक, क्योंकि स्पोरेंजियोफोर से ही आगे डेवलपमेंट होगा, स्पोरेंजियम बनेगा, जूस्पोर बनेगा, जो कि आगे डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। क्योंकि फंगस है तो माइसीलियम होगा,
माइसीलियम है तो दैट इज़ एंडोफिटिक, मतलब अंदर की तरफ ग्रो करने वाला, सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, एंड हाईलाइन, हाईलाइन का मतलब होता है कि ट्रांसल्यूसेंट सा स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर की बात करें कि अराइज फ्रॉम इंटरनल माइसीलियम, यहाँ पे आप देखेंगे स्पोरेंजियोफोर लिखा है, जो कि आपका अंदर की तरफ के माइसीलियम से, स्टोमेटा से निकल रहा है, ठीक। स्पोरेंजिया जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस, थिन वॉल्ड, हाईलाइन और ओवल शेप्ड। ये आप इसका शेप देख सकते हैं, ओवल, थोड़ा सा अंडाकार शेप होता है। और जो स्पोरेंजियम का जर्मिनेशन होता है, ये 3 to 8 तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आप 1, 2, 3, ये तीन को आप देख सकते हैं सेम उससे निकले हुए हैं। 3 से लेके 8 बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स का स्ट्रक्चर आगे आप डिजीज साइकिल में देखेंगे, कुछ इस तरह के जू स्पोर्स बनते हैं, फ्लैजिला, बाईफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा चढ़ता है तो वहाँ पे ये कोनिडियम की तरह हो जाते हैं, मतलब कि अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है तब तो ये स्प्रेड करते हैं, और जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर के साथ ये डिजीज़ कम होती जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है यानी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है, तो ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये इंसिस्ट हो जाते हैं, अपने बाहर एक सॉलिड सराउंडिंग बना लेते हैं और उसके अंदर ये छिप जाते हैं, वेट करते हैं कि फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये फिर से ग्रो करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया है जिसमें कि आप देख सकते हैं फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, पूरा आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक आपका इन्फेक्टेड लीफ दिखाया है, एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड लीफलेट कैसे होता है, मार्जिन से शुरू होता है, इसके बाद इन्फेक्टेड ट्यूबर, आलू जब आप काटते हैं तो पूरा आलू काला काला हुआ रहता है, खाने लायक नहीं रहता है। और जो स्पोरेंजियोस्फोर की बात दिखाया है कि लोअर लीफ या लोअर स्टोमेटा से निकलता है, ठीक। देन इसके बाद डिजीज़ साइकिल की बात करते हैं, इसमें जब आप देखेंगे कि पूरी डिजीज़ की साइकिल कैसे कैसे चलती है, आप पर्टिकुलर इन्फेक्टेड लीफ को ले लीजिए और उस लीफ का TS काटिए एट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड रीजन पे। जब आप उसका TS काटेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें कि आपको जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया पेनिट्रेट लीफ सरफेस, यहाँ आपको देखिए दिख रहा होगा ये जू स्पोर या स्पोरेंजिया के, ये जू स्पोर्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे, और ये स्पोरेंजिया जो कि पेनिट्रेट कर रहा है लीफ सरफेस पे, या तो स्टोमेटा के थ्रू या एपिडर्मल सेल वॉल के थ्रू, ठीक। फिर ये जो जू स्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया होते हैं, ये लीफ से निकल के सॉइल तक जाते हैं और ट्यूबर तक इफेक्ट कर देते हैं, आलू मिट्टी के अंदर होता है और फिर वो आलू भी काला काला आपका होने लगता है। फिर जब आप उस पर्टिकुलर क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उस आलू को आप निकाल के रखते हैं, तो ओवर विंटर जब आप हार्वेस्ट करते हैं, और वैसे तो हम छटाई करते हैं कि ये आलू ठीक नहीं है और ये ठीक है, लेकिन गलती से अगर आप जो स्टोर कर रहे हैं बोरे में उसमें एक भी आलू चला गया उसमें, और आपने उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, और फिर जब सीज़न आता है जब उसकी बुआई शुरू करते हैं और दैट वन इन्फेक्टेड पार्ट को अगर आपने सॉइल में डाला, तो फिर से वही इन्फेक्शन की साइकिल अगेन चलने लगती है, जिसमें कि माइसीलियम निकलता है फ्रॉम इन्फेक्टेड ट्यूबर, स्पोरेंजियोफोर बनाता है जो कि आगे स्पोरेंजियम बनाता है, यहाँ से वो या तो जर्मिनेट करता है थ्रू जर्म ट्यूब, या तो ये डायरेक्ट स्प्लिट आउट होता है जिसमें से जू स्पोर्स निकलते हैं, और फिर ये जू स्पोर्स जो होते हैं एंड स्पोरेंजिया लीव्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक। इसी तरह की डिजीज साइकिल चलती रहती है। डिजीज साइकिल में अगर 3 टर्म यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर रीज़न में वो डिजीज़ पेरिनेट कैसे हुई, आई कैसे। अगर इंडियन क्लाइमेट की बात करें तो इस डिज़ीज़ के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपने टेम्परेचर पढ़ाया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे यहाँ क्या है कि इन्वायरमेंट बहुत वेरी करता है, टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ऊपर हो जाता है, देन बरसात के टाइम थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, और फिर सर्दियों में टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है।
मतलब काफ़ी ठंड पड़ती है, कम टाइम के लिए पड़ेगी लेकिन इंटेंस वाला कोल्ड पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये डिज़ीज़ बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करती या बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर पाई। फिर भी ये चीज़ हमारी कंट्री तक आया, आया कैसे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें जो हुआ दैट इज़ बाय कोल्ड स्टोरेज। जो हम कोल्ड स्टोरेज में साल भर का रखते हैं आलू और फिर उसे ज़रूरत के हिसाब से उस पर्टिकुलर जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी में ये डिज़ीज़ हिली एरियाज़ से निकल के हमारे प्लेन एरियाज़ तक में आ गई। अब इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है पहला, वो कैसे होता है कि अगर आपने इन्फेक्टेड ट्यूबर को एज अ सीड यूज़ कर लिया, अगले सीज़न में भी लगा दिया। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन में स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स और कोनेडिया, ये प्राइमरी इन्फेक्शन में बनते हैं और ये फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन का काम करते हैं। आप एक स्पीशीज़ की बात करें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि हेट्रोथैलिक फंगस है। हेट्रोथैलिक का मतलब समझ रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के थैलस। इनको क्या होता है कि दो मेटिंग टाइप्स रिक्वायर होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में भी कह लीजिए। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही मेटिंग टाइप पाया जाता है, एक हेट्रोथैलिक फंगस नहीं। हेंस नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं होती। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ होता भी है वहाँ क्या होता है, एंथ्रीडिया है एंड एम्फीगाइनस है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फीमेल उसी के ऊपर, मेल के ऊपर। देखिए लिखा भी है, फीमेल हाइफी ग्रोज थ्रू द यंग एंथ्रीडियम एंड डेवलप्स ऊगोनियम अबव द एंथ्रीडियम। जब ऊगोनियम अबव द एंथ्रीडियम ग्रो करेगा तो उसे एम्फीगाइनस स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऊ स्पोर्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं एंड जर्मिनेट यूजुअली बाय मींस ऑफ जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब के थ्रू वो फर्दर ग्रो करते हैं। कोई भी डिज़ीज़ मान लीजिए स्प्रेड आउट ही हो गई तो फिर उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे फंजीसाइड अवेलेबल हैं जो कि पर्टिकुलर फंगस को किल कर देते हैं। सबसे पहली कोशिश तो हमें यही करना चाहिए कि छांट लेना चाहिए कि किसी भी इन्फेक्टेड पार्ट को हम अगले सीज़न में मतलब उसकी बुआई ना करें, उसको ना लगाएं कि अगले सीज़न में भी हमें ये प्रॉब्लम आए कि फिर से वो इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन अगर इन केस हो जाता है तो इसमें तीन चार मैनेजमेंट के तरीके लिखे हैं। उसमें पहला है कि उन ट्यूबर्स को 90 मिनट्स के लिए डिप कर दें 1:1000 मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में। मर्क्यूरिक क्लोराइड भी फंजीसाइड है, बहुत सारे फंगस को किल कर देता है। उसके अलावा दूसरा आपने पढ़ा होगा बॉर्डेक्स मिक्सचर, जो कि एक वेल नोन फंजीसाइड है, कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर होता है, ये भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। तीसरा, जिंक सल्फेट को भी लाइम में मिक्स करके अगर स्प्रे करते हैं तो वो भी एक अच्छा रिज़ल्ट देता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल बहुत सारी चीज़ों की रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे फंजीसाइड रेजिस्टेंस, हर्बीसाइड रेजिस्टेंस, सीधे मतलब ऐसी चीज़ ही बना दो कि हमें ये सारे ऊपर से छिड़काव ना करने पड़े। इसके लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जीन को उसमें से निकाल के और नई वेराइटी बना ली जाती है। इसमें कुछ वेल नोन वेराइटीज़ हैं जैसे कि कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार एंड कुफरी मोती। दो वेराइटीज़ को क्रॉस किया गया, सोलेनम डेमिसम एंड सोलेनम फुरेजा। ओके, दैट्स ऑल। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है ये पर्टिकुलर डिज़ीज़, साइकिल क्या है, सिम्टम्स क्या है। कोशिश करनी चाहिए कि हो ना, और अगर हो जाती है तो उसका हम मैनेजमेंट और कंट्रोल कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को।